की इस बारे में सहयोगी दलों से बात हो चुकी है और इस पर करीब करीब सहमति भी बन गई है एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल हादी और आप इस वक्त देख रहे हैं एएच खबर। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये दो शख्स और दो और शख्स हैं जिनको लेकर भारतीय मुसलमान और तमाम तर नेता इस बात के मुंतजिर थे कि आखिर ये किसकी तरफ आएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो खबर हमें मिली है, खबर मौसूल हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बारे में सहयोगी दलों से बात हो चुकी है और इस पर करीब करीब सहमति भी बन गई है एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। तमाम नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पवन कल्याण, जीतन राम मांझी आज दिल्ली पहुंचेंगे, तो एनडीए के जितने भी घटक दल है उन सभी के साथ आज बैठक होनी है। और बताया यही जा रहा है कि इसी के साथ प्रस्ताव सरकार बनाने का बीजेपी की तरफ से रख दिया गया है। तमाम घटक दलों के साथ बातचीत पहले ही हो चुकी है कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिल चुके हैं, यानी बीजेपी के साथ मिल चुके हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी आज ही एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 4 बजे शाम में, जिसमें ये बात पूरे तौर पर तय हो जाएगी कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और जो एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस की तरफ आ जाए, चंद्रबाबू नायडू इनकी तरफ से आ जाए और भी दो नेता हैं जो इनकी तरफ से आ जाए, तो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर ये लोग मिल जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार, नई सरकार बन सकती थी। मगर खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये दोनों आज 4 बजे नरेंद्र मोदी के साथ ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो जो उम्मीदें थी वो उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। और साथ ही मैं बता दूं कि कांग्रेस के जो नेता हैं अभी भी वो लोग पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि उनकी भी आज एक बहुत ही बड़ी मीटिंग, यानी आज जिस तारीख में, यानी 5 जून की तारीख में जो आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे हैं, तो ये लोग भी आज मीटिंग करेंगे। तो देखते हैं फैसला क्या हो रहा है। मगर जिस तरह से पूरे दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज पर बताया जा रहा है कि फिर से नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगा दिया है और फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है।